फिजिक्स क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर सेकंड लाइफ ऑन द अर्थ पार्ट टू। वी ऑलरेडी डिस्कस पार्ट फर्स्ट इन प्रीवियस वीडियो। ओके, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट मिनरल एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट मिनरल्स। मिनरल ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स फॉर their growth and their for healthy. These minerals are present in the soil. Plant absorb minerals from the soil through their roots. Animals get these minerals by eating plants and other animals. Human beings get minerals when they eat plant produce animals. It means सब जितने भी सारे सभी living सारे living things हैं उन सबको minerals की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, growth के लिए, ठीक है, फॉर कीपिंग ग्रोथ एंड कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी रखने के लिए। ग्रोथ के लिए भी जरूरी होते हैं मिनरल्स की और हेल्थ के भी लिए भी जरूरी होता है। ये जो मिनरल्स हैं ये आपके सॉइल में पाए जाते हैं। प्लांट इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट्स के थ्रू एनिमल्स इन प्लांट को खाते मिनरल और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, एनिमल लेते हैं। और हम लोग जो हैं एनिमल्स और प्लांट्स से क्या करते हैं मिनरल्स को, हम प्लांट्स को और एनिमल को खा के इन ये जो मिनरल्स मिलते हैं सॉइल में से वो हम इसको गेट करते हैं, क्योंकि हम सॉइल तो खा नहीं सकते तो पर एनिमल्स को ईट करके मिनरल्स को ईट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, काफ़ी लार्ज नंबर में हमारे जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी बोन्स में पाए जाते हैं, ये भी एक मिनरल का मिनरल है, ठीक है। सम ऑफ दीज फॉर्म पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड सम अदर एक्ट एज कैटलेटिक एजेंट बॉडी रिएक्शन। अ लैक ऑफ मिनरल इन द बॉडी कैन लीड टू वेरियस डेफिसिट डिजीज। द इम्पॉर्टेंट मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी आर आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कैल्शियम, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है काफ़ी सारे मिनरल्स से बनी हुई है और हमारे पाए भी जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं। इनका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बॉडी के अंदर जो कैटलेटिक एजेंट की तरह बॉडी में कैटलेटिक एजेंट ऐसी तरह काम करते, ठीक है। और मिनरल की कमी से हमें काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं, कभी कभी सारी हमें बीमारी भी हो जाती है। मिनरल्स ना हो, हमें प्रॉपर डाइट ना मिले, प्रॉपर मिनरल्स ना मिले तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए जो मिनरल्स जरूरी हैं कौन कौन से, जैसे आयरन जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लोहानी एक आयरन आपका मिनरल होता है, ठीक है। कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है, आयरन जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। नाउ डिस्कस इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर कैसे होते हैं, ठीक है। सारे प्लांट्स जो हैं वो निर्भर होते हैं किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। और एनिमल्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, आपके और प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। एनिमल्स आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स जो है आपके एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब किस तरह से डिपेंडेंट है, जैसे आप लोग अब ये जैसे इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इस पूरे में आप देख सकते हैं कि क्या है। इस पूरे में आप ये देखेंगे कि किस तरह से है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोगों को जैसे ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल हैं, ठीक है, हमको क्या है जरूरत, किस चीज़ की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट्स के थ्रू मिलती है, कहाँ से मिलती है, प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है। तो प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे गेट करते हैं, अब आपको तो सबको पता है कि हम लोग जो छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस को रिलीज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रही है वो कहाँ जाती है, प्लांट्स के पास जाती है, प्लांट्स उसको लेते हैं, टेक करते हैं, मतलब प्लांट्स लेते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं और वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट जो है तो कन्वर्ट कर देते हैं उसे ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और फूड भी बनता है उससे, ठीक है। तो हमको काफ़ी चीज जरूरत होती है प्लांट से। तो जैसे आप फूड भी लेते हैं, फूड भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। एनिमल जो है फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमें वहीं से मिलती है। अब ऐसी प्लांट जो है प्लांट्स को भी ऑक्सीजन हमसे मिलती है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोगों से लेते हैं,
ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब देखो फूड की बात करते हैं तो फूड जैसे अनदर थिंग्स देखी जाए, देखा जाए कि हम प्लांट्स के ऊपर किस तरह डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स हमारे ऊपर किस तरह डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, हम अपना खाना क्या करते हैं, प्लांट्स से लेते हैं। हम अपना प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो फूड बना होते हैं, उनमें एक चीज़ प्रेजेंस होती है, एक सब्सटेंस प्रेजेंस होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो होती है वो फूड को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो होती है वो फूड को हेल्प करती है, फूड प्लांट्स में फूड बनाने की हेल्प करती है। ठीक है, प्रोसेस के द्वारा फोटोज जो मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो आपके फूड बनाते हैं, और जिस वो फूड बनाते हैं वो हमारे लिए यूजेबल होता है, हम उसको ईट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, प्रोड्यूस करते हैं फूड को, प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, और हम भी इन पर डिपेंडेंट होते हैं और ये भी हम पे डिपेंडेंट है। मैंने अभी जिसको बताया था कि आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी हमारे द्वारा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ओके। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड, वही अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फूड के लिए, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दे आर नोन एज कंज्यूमर, कंज्यूमर भी कहा जाता है और प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाते हैं, जो प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अब बात का कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हम लोग हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल डायरेक्ट फूड किससे लेते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर द एनिमल लाइक शिप, गोट, काउ विल ईट प्लांट। अब कैटेगरीज है प्लांट और एनिमल्स की, तीन कैटेगरीज होती हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ ओनली प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे आपके कौन कौन है, शिप, गोट, काउ, ये आपके प्लांट्स ईट करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स वो दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, एनिमल्स को मार के खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, जो कार्निवोर्स है उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड, दूसरे एनिमल्स को मार के खाएंगे जब ही खा पाएंगे, ये घास आपके प्लांट्स को नहीं खाते, एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए इसने सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। अब आते हैं आपके ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर, वैसे तो मैं दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ओमनीवोरस जो है वो आपके क्या होते हैं कि वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स मतलब जो मरे हुए जीव जंतु उनको खाते हैं। ठीक है, द हर्बीवोरस एनिमल हु डिपेंड ऑन प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया हर्बीवोरस डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, और हर्बीवोरस वुड नॉट सर्वाइव विदाउट द प्लांट्स एंड द कार्निवोरस वुड नॉट सर्वाइव विदाउट द हर्बीवोरस, दस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम आर डिपेंड ऑन वन अनदर। ठीक है, जैसे प्लांट्स जो है हर्बीवोरस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी तरह से प्लांट है वो आपके जैसे आपके हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक सीरीज, एक चेन बनती जाती है। ठीक, प्लांट्स डिपेंडेंट है हम लोगों पे, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हर्बीवोरस जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। ठीक है, चेन देखना, प्लांट्स पे डिपेंडेंट कौन है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट कौन है, डिपेंड कौन है, कार्निवोरस। तो मतलब एक तीन चेन बन चुकी है, प्राइमरी पहले तो प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर क्या है आपके प्लांट, सेकेंडरी फिर आपके आते हैं, सेकंड में क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो आपके हर्बीवोरस होते हैं एनिमल्स, जैसे काउ और गोट है। ठीक, आते हैं आपके सेकेंडरी एनिमल जो आपके क्या होते हैं, आपके लॉयन और ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस है ना, तो ये आपका
डिपेंडेंट थे कि हम किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इज इट क्लियर? ओके बाय।